महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। भगवान शंकर जी को भोलेनाथ कहा जाता है। ये थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर जी जो है हमें हमारे पदों का स्थान बताते हैं। जैसे कि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को धन की देवी बनाया, कुबेर जी को धन का देवता बनाया, इंद्र को देवों को देवताओं के कहा जाए तो राजा बनाया। तो जो भगवान शंकर जी हैं मित्रों, ये सभी का निर्णय करते हैं कि कौन से व्यक्ति किस पद के लिए योग्य हैं और किस व्यक्ति के कर्म में कितना धन मिलना चाहिए, ये भी ये निर्णय करता है। तो आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे चीज के बारे में बताऊंगा जिसे आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आप जो उनसे कुछ भी वरदान स्वरूप मांग सकते हैं, धन है, दौलत है, बहुत सारी चीज को स्वतः आपको प्रदान कर देंगे। केवल एक दिन ये उपाय करना है, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह हर चीज आपको प्राप्त होगा जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी होती है बहुत ही अमूल्य होते हैं मित्रों। आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे ना फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं बताएंगे। हमारे चैनल का मकसद है प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने चैनल में जुड़े फैमिली को वो जानकारी बताना चाहता हूँ जो कि लाखों करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी लोग जो है जानकारी नहीं देते। हमारे चैनल का नाम ही है प्राचीन ज्ञान, हम प्राचीन ज्ञान की ही जानकारी सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रयोग को। प्रयोग बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह प्रयोग आप जो है शिवरात्रि के दिन करना। सबसे पहले आपको लेना है धतूरे का फल। अगर धतूरे के फल भगवान शंकर जी को आप चढ़ाते हैं तो देखिए भगवान शंकर को धतूरे के फल अति प्रिय है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर महाशिवरात्रि दिन 108 की संख्या में अगर धतूरे का फल चढ़ा दें तो हम स्टाम्प पेपर में गारंटी दे सकते हैं वह जिस भी चीज के लिए, जिस भी मनोरथ के लिए अगर आप 108 धतूरे के फल भगवान शंकर को चढ़ाएंगे वह तत्काल पूर्ण होंगे। हम स्टाम्प पेपर में भी लिख के गारंटी दे सकते हैं, बस आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरा प्रयोग, जो बेल का फल होता है ये माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, दबी भी इच्छा आपकी पूरी हो जाए, चाहे धन हो, चाहे पुत्र हो, पत्र हो, किसी की भी कामना करते हैं तो 12 बेल के फल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने के लिए शिवलिंग का फल चढ़ा सकते हैं। जो शिवलिंगी होते हैं ना इसका फल आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे। इसके जो बीज होते हैं भगवान शंकर जी के लिंग के आकार की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम शिवलिंगी बोला जाता है। तो मित्रों शिवलिंगी का फल अगर आपको सौभाग्य से मिल जाते हैं तो कम से कम 11 या 12 की संख्या में भगवान शंकर को अवश्य चढ़ा देना। इसे हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और शिवलिंगी का फल चढ़ाने से हमारे पाप मिट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के किए गए पाप जो मिट जाते हैं, इससे भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि छोटे छोटे जानकारी आपके जीवन को बदलने में कारगर साबित जरूर होते होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम।